अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ योर फिफ्थ लेक्चर। इसमें आपने पढ़ना है माउथ पार्ट्स की मॉडिफिकेशन एंड देयर मोड ऑफ इंजेशन। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इन इंसेक्ट्स? दीज आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, च्यूइंग टाइप, रैस्पिंग टाइप, सिफोनिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप एंड डीजेनरेट टाइप। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इसमें ट्यूबुलर जॉइंटेड बीक होती है, पियर्सिंग के नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है माउथ पार्ट्स जो ब्लड या फिर सैप को सक करते हैं बाय पियर्सिंग द स्किन और द टिश्यूज एंड सक करते हैं कोई भी लिक्विड। तो इनमें एक जॉइंटेड बीक होती है और ये ट्यूबुलर बीक जो है इसके अंदर काफ़ी सारे निडल्स प्रेजेंट होती हैं, निडल्स कह लें या स्टाइलेट्स कह लें, ठीक है, निडल शेप्ड स्टाइलेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब एक आउटर ट्यूब उस निडल के प्रेजेंट होती है, वो आउटर ट्यूब लेबियम से बनी हुई होती है, सिंपली अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। दिस आउटर ट्यूब इज़ अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर द इनर बीक। इसमें मैंडिबल्स एंड मैक्सिला जो हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं जो इलॉन्गेटेड होते हैं और थिन हो जाते हैं, सिलेंडर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, विच सर्व्स फॉर पियर्सिंग द स्किन ऑफ द एनिमल और एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स। यानी कि मैंडिबल्स और मैक्सिला मिलके किसी भी टिश्यू को या स्किन को पियर्स करते हैं, यानी कि उसमें से अपने निडल जो है गुजारते हैं। लेब्रम, एपीफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स आल्सो फॉर्म अ फूड चैनल और एन इनर ट्यूब इन विच लिक्विड फूड और सैप इज ड्रॉन। ठीक है, इसमें एक आउटर ट्यूब है जो लेबियम बनाती है, इनर ट्यूब एक है जो लेब्रम, एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स मिलके बनाती हैं, जिसमें से फ्लूड जो है वो जो है एसोफेगस के थ्रू गुजारा जाता है। तो ये किस में प्रेजेंट है? एफिड्स में, प्लांट बग्स में एंड बेड बग्स में। ठीक है, नेक्स्ट है च्यूइंग टाइप। च्यूइंग टाइप, दिस टाइप इज़ प्रेजेंट इन दोज इंसेक्ट्स विच फीड बाय द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग द फूड। अब जितने भी हर्बीवोर इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट जो एक्सेप्ट दोज हर्बीवोर दैट टेक द प्लांट सैप। ठीक है, वो मैस्टिकेशन जिनमें इन्वॉल्व हो फूड की प्रोसेसिंग में, उनमें च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है हमारे पास ग्रास हॉपर की। ठीक है, इसमें जो है मैंडिबल्स, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स, एपीफेरिंग्स, लेबियम, लेब्रम सब प्रेजेंट होंगे। ये जो हमने पहले माउथ पार्ट्स पढ़े हैं लेक्चर 4 के पार्ट 2 में, वो एक्चुअली हमने च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पढ़े हैं एक ग्रास हॉपर के। मैंडिबल्स जो हैं वो हार्ड होंगे, काइटेनियस होंगे, कटिंग, टेयरिंग और मैस्टिकेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मैक्सिला जो हैं वो पावरफुल लसीनिया एंड गैलिया रखेगा और कटिंग और ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व होगा। किस किस में ये प्रेजेंट है? बहुत सारे इंसेक्ट हैं और थॉप्टरा ऑर्डर, जिसमें सारे ग्रास हॉपर, लॉकेस्ट, क्रिकेट्स आ जाएंगे, टर्माइट्स में, सिल्वर फिश में, लाइस में, बीटल में, वैस्प में, कैटरपिलर में और बहुत से इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप। दिस टाइप इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन च्यूइंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है, रैस्पिंग एंड सकिंग, नाम से पता चल रहा है दो का मिक्सचर है ये। अब यहाँ पर सकिंग प्रोसेस की वजह से एक कॉन शेप्ड बीक प्रेजेंट है जो लेब्रम, क्लाइपियस और लेबियम और मैक्सिला के कुछ एलिमेंट से, यानी कि कुछ पार्ट से या लोब से मिलकर बना है। उस बीक में क्या क्या प्रेजेंट है? मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स एंड लेफ्ट मैंडिबल। जबकि जो लेफ्ट मैंडिबल और मैक्सिला हैं वो स्टाइलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट मैंडिबल बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। फूड कैनाल जो है वो लेब्रम और हाइपोफेरिंग्स के दरमियान होती है और जो सलाइवा है वो हाइपोफेरिंग्स एंड लेबियम से पास होता है, बिटवीन हाइपोफेरिंग्स एंड लेबियम। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गोल सर्कल में, हॉलो सर्कल में आप एक दरमियान में डिश फंसा दो, तो जो दरमियान डिश आपने फंसाई है वो हाइपोफेरिंग्स है, ऊपर आपके प्रेजेंट है लेब्रम सरफेस एंड नीचे जो है वो लेबियम।
अब फूड कैनाल जो है वो ऊपर वाला एरिया जो हॉलो है हाइपोफेरिंक्स एंड लेब्रम से, एंड सलाइवा जो है वो नीचे वाला जो हॉलो एरिया है हाइपोफेरिंक्स से वहाँ से पास आउट होगा। तो कहाँ किस में प्रेजेंट है, ये थ्रिप्स में प्रेजेंट है, ये थ्रिप्स की मैंने डायग्राम भी जो है नीचे लगाई हुई है। नेक्स्ट इज़ दी सिफोनिंग टाइप। सिफोनिंग टाइप वेरी स्पेशलाइज्ड वैरायटी है जिसमें कोई भी पिर्सिंग स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट नहीं है। ट्यूब ज़रूर प्रेजेंट है एंड बट दिस ट्यूब इज़ अनकॉइलिंग टाइप ऑफ ट्यूब। अनकॉइलिंग टाइप ऑफ ट्यूब है जो फूड चैनल बनाती है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है मैगजिला। मैगजिला जिसका जो कुछ पोर्शन है वो एक्सटेंड होकर लेबियम से ज्वाइंट है, ठीक है। मैगजिलरी पार्ट जो हैं वो बहुत माइनर रोल प्ले कर रहे हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। फूड चैनल जो है वो लॉकिंग ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट गैलिया ऑफ मैगजिला से मिलकर बनते हैं। लेब्रम बहुत ही रिड्यूस होता है। मैंडिबल्स बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, याद रखें। मैंडिबल्स मैंने पहले बताया च्यूइंग कटिंग ग्राइंडिंग के लिए इन्वॉल्व है। इसमें जो सिफोनिंग टाइप है यहाँ पर इसका कोई काम ही नहीं, दैट्स वाई मैंडिबल्स आर एब्सेंट। और लेबियम जो है वो स्मॉल पैलेट बनाता है, ठीक है, सॉरी स्मॉल प्लेट बनाता है जिसमें थ्री सेगमेंटेड लेबियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब किस किस में ये प्रेजेंट है, तमाम लेपिडॉप्टरन्स में, मोथ में, बटरफ्लाइज में, कैटरपिलर में, सब में ये प्रेजेंट है। फिफ्थ टाइप है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। इट्स अ फ्लैशी रिट्रैक्टाइल प्रोबोसिस। प्रोबोसिस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक ऐसी ट्यूब जो ट्रंक लाइक होगी जो फ्लूइड को फक तो नहीं कह सकते हम, उसको लिक कह सकते हैं, ठीक है ना, लिकिंग करेगी। प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द हेड। इसमें जो इंसेक्ट हैं वो लिक्विड फूड सीख लेते हैं या फिर ऐसा फूड या ऐसी सब्सटेंस जो उसके सलाइवा में डिसॉल्व हो सके, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सके। अच्छा, यहाँ पे माउथ पार्ट जो हैं वो किस किस तरह से मॉडिफाई हुए हुए हैं। लेबियम फॉर्म द रिट्रैक्टाइल प्रोबोसिस। जो प्रोबोसिस है वो लेबियम से बना हुआ है और उसका बेसल सेगमेंट जो है उसको हम रोस्ट्रम कहते हैं, रोस्ट्रम। और जबकि डिस्टल पार्ट जो है वो हॉस्टिलम है और टर्मिनल एंड को हम लेबिलम कहते हैं। लेबिलम क्या है, एक स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन है। यही लेबिलम जो है बहुत सारी फोरोस और चैनल्स बनाता है जिसको हम स्यूडो ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। जो लेबिलम के एक साइड पर कन्वर्ज होता है जहाँ से फूड जो है पिक की जाती है या उठाई जाती है और उस चैनल में एसोफेगस के थ्रू गुजार दी जाती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़ द फूड चैनल। अब वो फूड चैनल किससे बनी हुई है, वो लेब्रम एंड एपीफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स। लेब्रम एपीफेरिंक्स एंड हाइपो लेब्रम और एपीफेरिंक्स वैसे भी जॉइंटेड थे, अपर पार्ट में थे माउथ पार्ट के, और हाइपोफेरिंग जो था वो टंग की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट था, फ्लशी टंग। ये मिलकर फूड चैनल बनाते हैं। मैंडिबल्स टोटली एब्सेंट हैं। किस में है, ये हाउस फ्लाइज और फ्लैश फ्लाइज में। अब देखें मक्खी आप पे बैठे तो वो काटती नहीं है, ठीक है ना, क्यों नहीं काटती, क्योंकि उसमें मैंडिबल्स एब्सेंट हैं। मैगजिला जो हैं उसमें सिर्फ एक मैगजिलरी पाल्प का पेयर प्रेजेंट है। प्रॉपरली कोई ऐसा च्यूइंग टाइप के मैगजिला नहीं प्रेजेंट। दो स्टाइलेट हैं यानी कि बीक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं लेकिन वो स्किन को पिर्स नहीं कर सके, ठीक है, पिर्सिंग में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट इज दी एंड द लास्ट इज़ द च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। ये कम्बिनेशन है ये भी दो का, जिसमें लेब्रम और मैंडिबल्स जो हैं वो च्यूइंग टाइप के होते हैं और मैगजिला और लेबियम जो हैं वो एक प्रोबोसिस बनाते हैं यानी कि लैपिंग टंग बनाते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ पाल्प्स आर प्रेजेंट, वो लेबियल पाल्प्स के हैं पेयर, यानी कि लेबियल पाल्प्स प्रेजेंट हैं और मैगजिलरी पाल्प्स भी प्रेजेंट हैं लेकिन वो स्मॉल हैं, यानी कि स्पेसिफिकली लेबियल पाल्प्स जो हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट हैं जबकि मैगजिलरी पाल्प्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल इन स्ट्रक्चर होते हैं। हेरी फ्लैशी टंग इसमें प्रेजेंट होती है जो ग्लॉसी ऑफ द लेबियम से मिलके बनी हुई होती है और टंग जो है वो नेक्टर फीडिंग में इन्वॉल्व होती है। जैसे ही कोई नेक्टर यानी कि फ्लावर आता है
वो टंग यानी कि ये फ्लैशी टंग जो लेबियम से मिलके बनी है, ग्लोसा ऑफ द लेबियम से बनी है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर्म में मूव करके वहाँ का नेक्टर जो है पिक कर लेती है। तो किस में ये प्रेजेंट है? हनी बीज में और वैस्प में ही प्रेजेंट है। ना सिर्फ ये नेक्टर बल्कि ये वाटर जो है उसको भी उठाने में इन्वॉल्व है। यहाँ पर ये सारी माओ स्ट्रक्चर जो हैं आपको दिखाई हुई हैं, ये दो तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कोई सी भी जो आपको पसंद आए वो आप ड्रॉ कर लें, बना लें, ठीक है।